मॉमीज़ वेलकम बैक टू दिस चैनल आज मैं लेके आई हूँ फिर से एक सीजेरियन केयर सीरीज में एक वीडियो कि सीजेरियन डिलीवरी के बाद जिस कार में टांकों में खिंचाव कब तक महसूस होता है क्यों महसूस होता है और जलन क्यों होती है क्योंकि ये ही दो जो कमेंट हैं मेरे पास पिछले कुछ टाइम से बहुत ज़्यादा आ रहा है ऐसे कुछ जो कमेंट्स आप भी अभी देखा होगा कि मैं कुछ कमेंट्स का रिप्लाई नहीं कर रही हूँ क्योंकि वो सिमिलर से जो कमेंट्स हैं तो मैंने सोचा इस पर एक अलग से वीडियो कर देती हूँ तो हम बात करेंगे कि डिलीवरी के बाद सीजेरियन डिलीवरी के बाद टाँकों में खिंचाव कब तक फील होता है और उसके साथ ही जो जलन है वो कब तक होती है आ, तो जो खिंचाव है देखिए स्टार्टिंग में कुछ दिनों में ऐसा होता है क्योंकि जब तक टाँके गीले हैं तब तक या डिजोल्व नहीं हुए हैं तब तक होगा कि हम जब उठते बैठते टाइम ना हमें थोड़ा सा खिंचाव महसूस होता है ये आपको तब भी हो सकता है जब आपके टांके पूरी तरह से ठीक हो गए हैं डॉक्टर ने भी ग्रीन सिग्नल दे दिया है कि हाँ अब एक महीना हो गया अब ऐसा कोई जो है कोई भी चांसेस नहीं है इन्फेक्शन के जो स्टिकीज़ हैं आपके पूरी तरह से ड्राई है कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है कुछ नहीं है अब आप जो अपनी रूटीन एक्टिविटीज़ हैं वो आप कर सकते हो तो लेकिन उसके बाद भी हो सकता है आपको कभी कभी ये खिंचाव महसूस हो जब हम बैठ के उठते हैं या उठ के बैठते हैं या झुक के बेबी को उठाते हैं या कुछ ऐसा कुछ भी काम करते हैं जिससे वहाँ की जो स्किन है थोड़ी खिंचती है तो टांगों में हमें अलग सा ये खिंचाव महसूस होता है कि मतलब ये होता है कि हमारा सडनली पूरा ध्यान वहाँ चला जाता है कि हवा कुछ तो खिंच रहा है लगता है कुछ हो गया है तो इस तरह का खिंचाव आपको शुरू में ढाई तीन महीने तक फील हो सकता है या जब होता है कभी कभी कि हम थोड़ा सा वेट उठा लेते हैं बहुत ज़्यादा तो हमें नहीं उठाना है छः महीने तक या एक साल तक लेकिन फिर भी काम करते वक्त कुछ भी थोड़ा सा अगर हमने वेट उठा लिया तो हमें वहाँ पर लगता है कि कुछ खिंच रहा है तो ये चीज़ें ढाई से तीन महीने तक होती हैं मतलब बहुत रेगुलर नहीं कभी कभार ऐसा होता है कि आपको फील होता है कि वहाँ पे कुछ खिंच रहा है तो ये पूरी तरह से नॉर्मल है लेकिन जब भी आपको लगे कि हाँ वहां कुछ खिंच रहा है अगर आपको ऐसा फील हुआ है तो आपको तुरंत अपने स्टिचेस जो है वो चेक करने हैं कि कुछ ड्राई है वहाँ पे कि कुछ किसी तरह का डिस्चार्ज तो नहीं हो रहा है या किसी तरह का कोई होल तो नहीं दिख रहा है तो इसलिए जब भी आपको ऐसा लगेगा कि कुछ खिंचाव हो रहा है आपको चेक करना है एक बार लेकिन ऐसा नहीं है क्योंकि कुछ इसमें टेंशन की बात है कि कुछ प्रॉब्लम हो रही है ऐसा कुछ भी नहीं है वो नॉर्मल है कि वहाँ की जो स्किन है ना रिपेयर हो रही है वहाँ की स्किन जैसे चोट लगती है चोट के बाद जो ऊपर एक घाव सा जो बन जाता है ना कपड़े से जम जाती है उसके बाद अगर वहाँ से स्किन हमारी जरा सी भी अगर खिंचती है ना हिलती भी है वहाँ से स्किन तो हमें फ़ील होता है अलग सा कि खिंचाव महसूस होता है तो वैसे ही वहाँ पे भी हमें फील होता है कि जो नए टिश्यू बन रहे हैं या जो नो स्किन वहाँ रिपेयर हो रही है इसलिए हमें थोड़ी जो स्किन है वहाँ पे ज़्यादा सेंसिटिव हो जाती है हमारी तो इसलिए कुछ भी अगर होता है तो हमें कुछ अलग सा फील होता है और उसके साथ होता है कि जलन होना कि जलन कब तक होती है या जलन होना नॉर्मल है तो जलन जो होती है वो स्टार्टिंग में कुछ दिन तक होती है जब तक आ, आपके स्टिचेस डिजोल्व नहीं हुए हैं तब तक थोड़ी ज़्यादा होती है ये स्पेशली तब ज़्यादा होती है जब हम स्टिचेस क्लीन करते हैं यानी कि जो हम स्कार है उसको क्लीन कर रहे हैं किसी भी एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन से तब हमें थोड़ी जलन वहाँ होती है वो इसलिए भी होती है कि हम क्लीन करते हैं तो थोड़ा रब हो जाता है कभी कभार इस वजह से भी होती है या होता है कि अगर आपकी डिलीवरी गर्मियों में हुई है पसीना आ जाता है पसीने की वजह से भी जलन हो सकती है या होता है कि हम कभी बैठे रहते हैं तो कपड़ा वहाँ रगड़ता है तो इस वजह से जलन हो सकती है तो मतलब ऐसे ही कुछ रीज़न जिससे वहाँ जलन हो सकती है तो लेकिन जलन का मतलब ये नहीं है कि हाँ कुछ ना कुछ इन्फेक्शन ही हो रहा है जब तक टाँके गीले हैं तब तक जलन होगी ही उठते बैठते टाइम भी अगर कभी खिंच गया है ना तब भी जलन होती है बाकी जैसे जो हमने बात की तब भी जलन होती है और उसके साथ ये होता है कि जलन अब जैसे मेरी डिलीवरी को मतलब जो मेरा छोटा बेटा है आ, वो अगस्त में दो साल का पूरा हो जाएगा टू ईयर्स कंप्लीट हो जाएंगे उसके तो मेरी सेकंड डिलीवरी को भी सिजेरियन को भी दो साल पूरे हो जाएंगे तब लेकिन अभी तक मतलब डेढ़ साल से ऊपर हो गया है अभी तक ये होता है कि कभी कभी होता है कि वहाँ पर स्किन ऐसी लगती कि खिंच रही है या कभी कभी होता है कि जलन होती है लेकिन वो सिर्फ होता है कि दो चार सेकेंड के लिए कभी अचानक से ऐसा लगा कि हाँ कुछ जल रहा है लेकिन फिर अपने आप ठीक हो जाता है या कभी लगा कि यार वहाँ कुछ खिंच गया है और ये खिंचाव तब लगता है कि जब हुआ कि जैसे अब बच्चे छोटे हैं तो बच्चे कभी पेट पे आके बैठ जाते हैं कभी खेल रहे हैं कभी पैर लग गया या कुछ भी ऐसा तो होता है कि लगता है कि वहाँ कुछ अलग सा ही फील होता है अब पता नहीं कि हमारा माइंड ऐसा हो जाता है कि नहीं वहाँ टांके लगे हैं तो इसलिए हमारा ज्यादा ध्यान वहाँ जाता है लेकिन ये है कि दो साल होने वाले हैं मेरे सिजेरियन को सेकेंड सिजेरियन को लेकिन तब भी ऐसा फील होता है कभी कभी कि वहाँ हल्की सी कभी जलन होती है या कभी लगता है कि स्किन वहाँ खिंच रही है मतलब कुछ अलग सा फील होता है वहाँ अगर ज़्यादा जैसे किसी दिन काम कर लिए तो ज़्यादा स्ट्रेच हो गई वहाँ से स्किन या बच्चों को गोद में उठा लिया या कुछ भी ऐसा कर लिया तो वहाँ खिंचाव महसूस होता है इसका रीजन ये भी हो सकता है कि वो जो टिशू है वहाँ लगातार रिपेयर हो रहे हैं स्किन वहाँ रिकवर हो रही रिपेयर हो रही है लगातार क्योंकि जैसे वहाँ जो है ना स्किन अभी भी नम्ब है अब जैसे दो साल होने वाले हैं लेकिन अभी भी वहाँ की जो स्किन है मेरी आसपास की टाँकों की वो नम्ब है यानी कि सुन्न है वहाँ जो टच करने पे अलग फील आता है बाकी एरिया में टच करने में अलग फील आता है इस पर मैंने एक डिटेल वीडियो भी किया है वो भी आप जाके देख सकते हो उसका लिंक भी मैं दे दूँगी कि इसके सीजेरियन डिलीवरी के बाद जो पेट में नाभि के आसपास जो नंबनेस फील होती है यानी कि जो सुन फील होता है हमें कुछ फ़ील नहीं होता है वहाँ स्किन पे टच करने पे इचिंग इच करने पे यानी कि खुजली करने पे तो वो किस वजह से होता है तो वहाँ की जो नम्बनस है वो होता है जैसे नर्व्स कट जाती हैं तो उसके बाद जब जब वो स्किन दोबारा से जब स्टिच की जाती है तो वो नर्व्स दोबारा से वो इस वैसे उसी मतलब जैसे ये नर्व्स है इसको कट किया जैसे कट किया तो दोबारा से वैसे ही स्टिच नहीं हो पाती है तो इसलिए वो रीजनरेट होती हैं दोबारा से तो जब तक वो रीजनरेट होंगी जैसे मैंने डॉक्टर ने बताया था कि एक साल लग सकता है दो साल लग सकता है दस सालों भी लग सकते हैं तो शायद इसी वजह से जो वहाँ की नर्व्स हैं रीजनरेट हो रही हैं जो टिश्यू हैं वो रिपेयर हो रहे हैं नए बन रहे हैं जो ऊपर की जो स्किन जो डैमेज हो गई है जब कट लगा है वो अपने आप रिपेयर हो रही है इसी वजह से शायद वहाँ की जो फीलिंग है जो सेंसेशन है वो अलग है इसीलिए वहाँ पे कुछ भी अगर होता है तो हमें कुछ अलग ही फील होता है कि वहाँ टच हो रहा है या वहाँ हेयरलाइन की वजह से हो रहा है या कुछ कपड़े रगड़ रहे हैं तो वहाँ का फीलिंग कुछ अलग रहता है तो इस वजह से ही शायद होता है लेकिन एक तो ये भी होता है कि अब सीजेरिन हुआ है तो हमारे दिमाग में कुछ ना कुछ रहता ही है कि वहाँ कि अगर हल्का सा भी टच होगा तो हाँ वहाँ पे कुछ हो रहा है अगर हमें कुछ एक्सरसाइज करनी है एक्सरसाइज जब करेंगे तब वहाँ स्ट्रेस तो होगा ही तब भी हमें माइंड में डर रहता है कि यार वहाँ स्किन ना खिंच जाए वहाँ कुछ ना हो जाए तो अब अब सीजेरिन हुआ है तो अब ये सब तो होगा ही अब क्या कर सकते हैं तो कभी कभी ख़राब भी लगता है देख करके कि हाँ दो ऑपरेशन हो गए हैं कि जो बॉडी है वो पहले जैसी नहीं रही है या जैसे जो स्कार है लेकिन ये होता है कि खराब भले ही लगता है लेकिन जब आप अपने बच्चों को देखते हो तो जो भी वो फीलिंग है वो सब चली जाती है कि हाँ वर्थ है इसका तो इसलिए जो भी टेंशन है ना माइंड में ये आप निकाल दो क्योंकि जब तक आपके जो स्टिकज हैं वो ड्राई हैं कुछ भी किसी तरह का कोई डिस्चार्ज नहीं हो रहा है तब तक आपको कुछ टेंशन नहीं लेनी है थोड़ी जलन कभी कभार हो सकती है हेयर लाइन की वजह से भी हो सकती है कि कपड़े पहने हैं तो हेयर थोड़े खिंच खिंच जाते हैं तो इस वजह से हो सकता है कपड़ा रगड़ रहा है इस वजह से हो सकता है लेकिन कुछ टाइम के बाद धीरे धीरे होता है ना कि आप खुद ही यूज़ टू हो जाते हो तब तो आप ख़ुद को मतलब अपने आप ही माइंड में होता है कि हाँ इस वजह से हो रहा है इस वजह से हो रहा है तो आप टेंशन नहीं लेते हो लेकिन इनिशियल डेज में इनिशियल मंथ्स में ज़्यादा ध्यान जाता है वहाँ पर क्योंकि वहाँ की स्किन थोड़ी ज़्यादा सेंसिटिव रहती है और हमारा थोड़ा माइंड में भी रहता है तो जो ये भी सब चीज़ें हैं ना ये सब नॉर्मल हैं अब इस चीज़ को आप एक्सेप्ट कीजिए कि हाँ अब ऑपरेशन हुआ है तो ये सब चीज़ें होंगी ही लेकिन ज़रा ज़रा सी बात को लेकर अगर आप टेंशन लेने लग जाओगे ना तो ये होता है कि डर की वजह से ही कुछ ना कुछ होने लग जाता है तो इसीलिए ये डर अपने मन से निकालो अब जो भी चीज़ें हैं बस आपको अगर कुछ फील हो रहा है तो अपना स्टिकचिज आप देख लो कि कुछ ए, डिस्चार्ज नहीं है कोई स्वेलिंग नहीं है कोई रेडनेस नहीं है तो इसका मतलब वो नॉर्मल है अब थोड़ी सी मस्किन खिंचना कभी जलन होना कभी खुजली होना कभी हल्का फुल्का दर्द होना कि कुछ वेट उठा लिया या बच्चे को उठा लिया या झुक करके कुछ हम ज़्यादा सामान उठा लेते हैं तो हल्का फुल्का दर्द होना ये नॉर्मल है अब दो साल होने वाले हैं लेकिन अब भी मेरे होता है कि किसी किसी दिन अगर मैं बच्चे को भी अगर गोद में उठा लेती हूँ तो भी होता है कि थोड़ा पेन होने लगता है हल्का कभी लेफ़्ट साइड कभी राइट साइड या कभी पूरी ही लाइन में पेन होने लगता है लेकिन वो थोड़ी देर के बाद अपने आप ठीक हो जाता है या अगर रात में पेन हो रहा है तो वो सुबह तक ठीक हो जाता है या कभी होता है कि मतलब खुद को पता लग जाता है कि हमने ऐसी क्या एक्टिविटी की है हमने ऐसा क्या काम किया है जिसकी वजह से ऐसा हो सकता है तो जैसे कभी बच्चे को उठा लिया कभी टाइट कपड़े पहने हैं जैसे कभी बाहर जाना है तो हमने कुछ पहन लिया कुछ ज़्यादा टाइट हो रहा है तो हमें इतना आइडिया खुद को होता है कि किस वजह से हो सकता है तो इसलिए जब भी आपको ऐसा लगे एक बार आप अपने जो स्कार है वो चेक कर लो या अपने पार्टनर को चेक करवा दो अगर आप खुद से नहीं आप पूरी तरह से चेक कर पा रहे हो तो अगर वो ठीक है ड्राई है कुछ दिक्कत नहीं है तो कुछ दिक्कत नहीं है और जो मेरे पास एक जो कमेंट बहुत ज़्यादा आता है कि लेफ़्ट साइड में पेन हो रहा है राइट साइड में पेन हो रहा है या हो रहा है कि राइट साइड में गांठ जैसा हो रहा है तो अगर आपको किसी एक जगह पे स्कार के ऊपर कहीं अगर आपको लग रहा है मतलब तो कॉर्नर पे जहाँ से स्टीज़ी स्टार्ट हो रहे हैं या एंड हो रहे हैं वहाँ अगर आपको लग रहा है कि थोड़ी सी गांठ जैसा है तो वो हो सकता है कि जो स्टार्टिंग में जो नॉट लगती है उस वजह से हो सकता है तो वहाँ से स्किन हो जाता है कभी कभी थोड़ी ज़्यादा उभर जाती है लेकिन अगर उसमें किसी तरह का कोई डिस्चार्ज नहीं है ऊपर अलग से उभरी हुई नहीं दिखती है जब तक कि जैसे होता है कुछ दाना फुंजी या पिंपल टाइप का नहीं दिख रहा है अगर पास वाला तो वो नॉर्मल है तो so होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है जो भी आपका डाउट था वो क्लियर हो गया है तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए आप वीडियो देखते हो लाइक करते हो कमेंट करते हो सवाल जवाब करते हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए थैंक यू फॉर वॉचिंग